हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हुए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ के किले में। तो यहाँ के बारे में आपको दिखाने वाले हैं एंड किले में हम थोड़ा लेट चलेंगे, पहले इधर की कुछ देख लेते हैं। सामने मुझे मंदिर दिख रहा है एक, यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आई थिंक यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है साइड पर, बट इस साइड पर मुझे कुछ दिखा है, वो दिखाने के लिए मैं आपको चलता हूँ। कुंड बोलते हैं इसको, कुंड दिखाएं मुझे यहाँ पर। एंड यहाँ का गेट बंद कर रखा है, नीचे जाने के लिए बंद कर दिया गया है, ये तो अभी नीचे जा नहीं सकते। गाइस यहाँ पे कुएं टाइप कुछ बना हुआ है, आई थिंक ये कुआ है, नहीं ये कुआ नहीं है, कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है। आई थिंक ये पानी इकट्ठा, हाँ ये पानी इकट्ठा करने के लिए है, सामने से इसमें पानी आता है एंड इधर से ये घूमते हुए कुंड में जाता है। जो सामने कुंड दिख रहा है ना, उसमें पानी जाता है, यहाँ से घूम के जाता है पूरा, अलग ही मतलब पता नहीं किस तरह से बना हुआ है, पूरा उसमें घूम के जाता है। इसको कुंड बोलो या बावड़ी बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बाकी देखने में बहुत मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पर बोर्ड पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो और इसमें 1,00,000 रुपये जुर्माना भी लगा हुआ है अगर कोई अंदर जाता है तो, क्योंकि बंद कर रखा है अभी। आई थिंक इन साइड पे कोई आता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है। बाकी चलिए चलते हैं आगे, अभी ऊपर भी जाना है। एंड अभी आ गए हम ऊपर एंड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा जयपुर शहर, यहाँ से दिख रहा है। आप ढंग से देखो, ध्यान से देखो, आप पूरा जयपुर शहर यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अभी ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है अभी वहाँ के आपको दिखाने के लिए। देखो वहाँ तक हमें जाना है अभी, वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे, व्यू यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ से इतना अच्छा दिखेगा ही नहीं। बाकी व्यू देखो कितने ऊपर हम आ गए हैं, एक बार अच्छे से देखो कितने ऊपर हैं हम अभी। सो फाइनल गाइस हम ऊपर पहुंच चुके हैं, सामने आपको किला भी दिख रहा होगा एंड यहाँ से एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि जो नीचे था उससे भी ऊपर हम आ गए हैं। एंड एक चीज़ बताऊँ, जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल ठंडी हवा आती है, बिल्कुल ठंडी हवा। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे की साइड, क्योंकि किले में भी अभी जाना है, तो पहले नीचे चलते हैं। बाकी व्यू देखो, व्यू कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है यहाँ से। सो फाइनली गाइस हम किले के यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया स्मारक को स्वच्छ रखें, तो हम गंदगी भी नहीं फैलाएंगे यहाँ पर और किसी को फैलानी भी नहीं चाहिए। कर नहीं लगा तो निकलवाऊंगा।
तो चलिए चलते हैं किले की तरफ, वहां पर आपको दिखाते हैं। हम आ गए सामने, एक मंदिर दिख रहा है, छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर, और इधर भी एक तालाब, सॉरी तालाब के कुंड टाइप कुछ बना हुआ है, एंड इसमें पानी भी भरा हुआ है, ऊपर से जाली भी लगी हुई है ताकि कोई गिर ना जाए। सॉरी गाइस, एक्चुअली ये जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसके लिए है, आई थिंक ये उसके लिए ही है। आसपास का जो पानी था वो इसमें आ जाता था, इकट्ठा हो जाता था, वो बर्बाद नहीं होता था। एंड जो ये वाला गेट है यहाँ पर भी जाना वर्जित है, यहाँ पर भी बंद कर दिया गया है। जो पहले की बावड़ी दिखी थी, पहले का जो कुंड दिखा था, वहाँ पे भी बंद कर दिया गया था, यहाँ पे बंद कर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो पहले वाली बावड़ी थी उससे ज़्यादा पानी आई थिंक यहाँ पर है, पहले वाली में कुछ था नहीं। अभी के टाइम पे तो बावड़ियाँ कई आपको बहुत कम, मतलब कई नहीं बनाई जाती, पहले के टाइम में बावड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। एंड आई थिंक यहाँ पर जो महल की रानियाँ हुआ करती थी वो नहाने वाने के लिए इस टाइप का कुछ बनाया हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। हम चलते हैं महल के अंदर। एंड यहाँ पर तोप रखी हुई है, तोप तो जितने भी हम पुराने जो भी किले होते हैं उनमें जाते हैं, उनमें से बहुत से जगह पर तोप मिलती ही मिलती है। एंड इस पर बैठना सख्त मना है लिखा हुआ है, एक दर भी रखी हुई है। तो फाइनल गाइस हम अंदर आ गए हैं, यहाँ पर जो डिजाइनें बने हुई हैं उनको देखो एक बार, यहाँ के जो डिजाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पर बहुत से कमरे टाइप कुछ बने हुए हैं, बहुत से अलग अलग बने हुए हैं। एंड इनके ऊपर जो भी जितने भी कमरे जो बने हुए हैं उनके ऊपर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, आई थिंक ये बाट रखे थे, या फिर ऐसा हो सकता है उस समय पे ये जिसका जिसका कमरा था उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हो, कुछ भी हो सकता है भाई, हमें तो इतना पता नहीं है। देखिए जितने भी कमरे हैं उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, एंड इनमें से चल के भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। एंड नक्काशी बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है यहाँ पर, बाकी सब तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऊपर भी चलेंगे हम।
बाकी यहाँ के जितने भी कमरे हैं उनमें अलग अलग टाइप के डिज़ाइने बनाई हुई है। वीडियो में आपको शायद इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर अलग अलग तरह के डिज़ाइने देखकर। तो चलिए चलते ऊपर के साइड, ऊपर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि ऊपर भी इसी टाइप से कुछ बने हुए हैं, एक्चुअली रूम टाइप है जो भी आप बोल लो। सो हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर का व्यू कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अभी ऊपर और चलेंगे हम, बट सोचा पहले यहीं का दिखा दूँ आप लोगों को। बाकी यहाँ पर भी जो रूम है उसी टाइप से बने हुए हैं जिस टाइप से नीचे बने हुए थे हमने जो देखे थे ना, कि उस टाइप से यहाँ पर भी कुछ अलग अलग रूम बने हुए हैं। बाकी आप यहाँ पर आके देखना, यहाँ पर खिड़की से बाहर का व्यू भी दिख रहा है। देखो पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से खिड़की का, खिड़की से बाहर का। एंड आप यहाँ पर आकर देखोगे तो आपको अलग फील आएगी। कैमरे में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं तो कुछ अलग लगता है, बट यहाँ पर आके एंड यहाँ की जितनी भी ये गलियाँ हैं, जितनी भी गलियाँ दिख रही है वो एक ही जगह पर आकर मिल रही है। जितनी भी गलियाँ हैं, जितनी कहीं भी घूम के जाओ एक ही जगह पे आप मिलोगे। एक्चुअली सारी महल में ये हो रहा है, हो रखा है, एक ही जगह पे ये मिल रही है सारी गलियाँ। एंड यहाँ के ऑलमोस्ट रूम जो है वह सेम है, इनमें कुछ चेंज मतलब एक ही टाइप से सारे रूम्स बने हुए हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज होगा डिज़ाइन विजाइन का, बट रूम जो है वह सारे एक ही टाइप से बने हुए हैं। तो गाइस अभी चलते हैं ऊपर एंड ऊपर का व्यू भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं गलियों बिल्कुल पतली गली बनी हुई है, मोटा लोग उसमें कोई आ ही नहीं पाएगा। भाई व्यू देखो यहाँ पे, व्यू कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। हाँ आप कैमरे में शायद इतना अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, बट अगर सामने से देखो तो आपको मज़ा आ जाएगा एकदम से। बल्कि जो सारे यहाँ पर है सेम टू सेम बने हुए हैं, ऊपर से भी आपको सेम टू सेम लग रहे होंगे एंड नीचे भी सेम टू सेम है, बस कमरे अलग अलग है, बाकी सब कुछ यहाँ सेम टू सेम है। बस ऐसा मन कर रहा है यहाँ पर कुर्सी लाओ, चाय लाओ और बैठ जाओ और चाय पीते रहो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा लगा रही है यहाँ पर। पूरी जयपुर सिटी यहाँ से दिख रही है एंड आई थिंक जो सामने है वहाँ पर जंतर मंतर है, मुझे पता है वहाँ तक। बाकी देखो कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल छोटे छोटे। एंड किले की दीवार दिखाता हूँ, ये पूरी दीवार है, पूरा किला है जो दीवार जा रही है, दीवार बन रही है जो लास्ट तक जा रही है वहाँ तक पूरा किला है। पूरे यहाँ पे कुछ ध्वज लगा हुआ है। बाकी जयपुर आओ तो यहाँ पर एक बार आकर जरूर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।
कि यहाँ पर फोटोज वोटोज लिए जा रहे हैं। एंड मैं सोचता हूँ आपको बाहर का भी थोड़ा बहुत दिखा दूँ, इसके आसपास में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं बाहर। यहाँ पर कुछ महल से दूर कुछ अलग ही कमरा रूम बना हुआ है, पता नहीं किस लिए ये, बट सबसे अलग है। एंड यहाँ पर कुछ देखने लायक लग भी नहीं रहा है साइड पर। एंड सामने आपको पूरा महल दिख रहा होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही कमेंट कर देना अगली बार आपको कहाँ की वीडियो चाहिए। तो एक वीडियो बना लेते हैं यहाँ की।